बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है दमपुक चिकन हांडी। दमपुक चिकन हांडी बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, उसमें सबसे पहले हमारे पास 1/3 कप ऑयल की ज़रूरत है। 500 ग्राम या आधा किलो बोनलेस ब्रेस्ट चिकन का लिया है। 2 दरमियाने प्याज लिए हैं जिनको स्लाइस कर लिया है। गंदम के आटे का एक पेड़ा है, ये हांडी को सील करने के लिए चाहिए होगा। 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च है। 2 टेबलस्पून ग्रीक योगर्ट है। 1 टेबलस्पून जुलियन कट सब्ज़ मिर्चें हैं। 1 टेबलस्पून जुलियन कट अदरक है। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। 1 टेबलस्पून अनसॉल्टेड बटर है। 1 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम है। 1 टेबलस्पून ग्रीन चिली का पेस्ट है। 1 टीस्पून कसूरी मेथी है। 1 टीस्पून हमारे पास कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा है। 1 टीस्पून कुटा हुआ भुना हुआ धनिया है। 1 टीस्पून कुटा हुआ भुना हुआ सौंफ का है। 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है। 1 टीस्पून हमारे पास नमक है और 4 से 6 खुश्क आलू बुखारे हैं। अब इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। मीडियम फ्लेम के ऊपर हांडी रखी है, इसके अंदर 1/3 कप ऑयल का डाल देंगे। इसमें ये प्याज शामिल करेंगे और इसको गोल्डन फ्राई कर लेंगे। प्याज ने अपनी रंगत बदल ली है। अब इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल देंगे। इसके साथ ही इसमें ये चिकन भी ऐड कर देंगे। इसमें ये खुश्क आलू बुखारे शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से फ्राई कर देंगे। 2-3 मिनट अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद इसके अंदर सॉल्ट शामिल करेंगे, ग्रीन चिल्ली का पेस्ट, कुटी हुई काली मिर्च और इसको 2-3 मिनट मज़ीद कुक करेंगे। अब इसमें ये कुटी हुई सौंफ, भुने और कुटा हुआ धनिया, भुना और कुटा हुआ ज़ीरा, ये दही ऐड कर देंगे इसके अंदर। इसको एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फ्लेम स्लो कर देंगे, हांडी को कवर कर देंगे। आटे की मदद से इसके किनारों को बंद कर देंगे ताकि इसमें से भाप बिल्कुल भी बाहर ना आ सके और इसी भाप के अंदर ये चिकन जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। चारों तरफ से लिड को जो है वो कवर कर दिया है। अब इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दिया है। ये पानी रिलीज करेगा चिकन और उसी के अंदर भाप के अंदर ये गल जाएगा। उसके बाद इसको खोलेंगे। तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। अब इसके ऊपर ये जो आटे के साथ सील बनाई थी इसको किसी नाइफ की मदद से उतार देंगे। एहतियात के साथ इसकी लिड को हटाएंगे। अच्छी तरह से ये सारा साइडों से रिमूव करके इसको क्लियर कर देंगे। देखिए चिकन डन हो गया। अब इसमें ये कसूरी मेथी और ये गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसमें ये फ्रेश क्रीम जो है इसको ऐड कर देंगे और जल्दी से इसके अंदर इसको मिक्स कर लेंगे ताकि ये फटे ना। दमपुक चिकन हांडी रेडी हो गई है। अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। चिकन दमपुक हांडी को डिश आउट कर लिया है। इसको हम एक छोटी हांडी के अंदर सर्व कर रहे हैं।
इसमें शिफ्ट करने से पहले इस हांडी को भी थोड़ा सा गर्म कर लिया था। ये देखें अभी तक इसमें सीजलिंग हो रही है। इसके बिल्कुल ऊपर ये बटर डाल देंगे जिसमें थोड़ा थोड़ा मेल्ट होता जाएगा। इसके साथ ही ये जिंजर और ये ग्रीन चिलीज से गार्निश कर दिए। दम पोक चिकन हांडी अब रेडी टू सर्व है।